टिकट 50K का ले लें तो सही होगा। ये IRF Z44N, ठीक है, ये एक MOSFET है। ये इसकी जो टांगे इसकी जो टांगों का नाम है वो है गेट। ये है सबसे पहली टांग, अगर आप इसको सीधा पकड़ते हैं तो सबसे पहली टांग है गेट, ड्रेन बीच वाली ड्रेन है और सोर्स है, गेट ड्रेन सोर्स, ठीक है। तो गेट जो है आप पहले वाले बीच वाले में पोटेंशियोमीटर के बीच वाले में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो पोटेंशियोमीटर की फर्स्ट पिन है इससे आप जो है ये नेगेटिव एक जो है आउटपुट के लिए निकाल लेंगे और एक इनपुट के लिए निकाल लेंगे। ये जॉइंट हो गया थर्ड वाले पोटेंशियोमीटर में गेट ड्रेन के अंदर, ठीक है। उसके बाद बचा सोर्स, सोर्स से आपने ले लेनी है एक आउटपुट का ये वायर निकाल लेना है, बस सोर्स के साथ कुछ नहीं जुड़ेगा, ये आउटपुट में लगेगा। जो भी मोटर का आउटपुट का प्लस होगा वो आप ये तस्वीर करें येलो कलर का है प्लस, इसी तरह प्लस ये होगा, ठीक है। ये माइनस होगा, माइनस होगा, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया सर्किट, अभी इसको टेस्ट करते हैं। इसका बहुत सिंपल सा डायग्राम था, ये अब सर्किट मुकम्मल हो चुका है। और ये किसने पोटेंशियोमीटर यूज़ किया है, 50K या 20K या 10K का आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। एक ट्रांसिस्टर यूज़ किया है हमने इसमें IRF Z44N, ये भी इजीली अवेलेबल होता है आपको। यहाँ पे इसमें तीन टांगे होती हैं, इनका नाम जो है बिल्कुल अलग अलग है। एक सबसे फर्स्ट टांग है इसकी गेट ड्रेन सोर्स, गेट पहली टांग है, दूसरी टांग ड्रेन है, तीसरी टांग सोर्स है। ड्रेन की जो है ये एक साथ मिली हुई है, ठीक है, इसके साथ टांग के साथ एक वायर निकल गया, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से हमने एक वायर निकाली, ये नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। ये इधर आप इनपुट देंगे, ठीक है, 12 वोल्ट की इनपुट देंगे और यहाँ पे प्लस दे देंगे 12 वोल्ट का, ठीक है। ये माइनस है, 12 वोल्ट की आउटपुट है ये। यहाँ पे आप मोटर देंगे 755 की हो या कोई भी मोटर हो, ठीक है, बलिना मोटर भी चला सकते हैं, देखेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में चला के। ये इधर ये प्लस ये निकाल लेंगे आप, जो सोर्स की पिन है ये प्लस आउटपुट में निकल जाएगी। बस इतना सा सिंपल सा डायग्राम है, इसको टेस्ट करते हैं। चलिए, इसमें जो है हम डेल की पावर सप्लाई यूज़ कर रहे हैं, 4.3 एम्पीयर की पावर सप्लाई है, 12 वोल्ट की पावर सप्लाई है, चेक करते हैं इसको। ये देखिए, ये पावर सप्लाई का प्लस है येलो कलर का और ये जो ब्लैक कलर का माइनस है, ठीक है। ये मैंने प्लस में जोड़ दिया, ये देखिए, ये मैंने प्लस में जोड़ दिया और ये पावर सप्लाई के माइनस में जोड़ दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया इसको, और मैं अब आहिस्ता इसका वॉल्यूम घुमाने वाला हूँ, ये देखिए, ठीक है, ये फुल स्पीड हो गई। ये 755 की मोटर नहीं है बेसिकली, और आप यहाँ देख सकते हैं कि कितनी तेज़ घूम रही है ये। तो इस तरीके से आप ये रेगुलेटर बना सकते हैं इजीली तरीके से। ये ट्रांसिस्टर गर्म होता है फॉर एग्जांपल, लेकिन हम इस पर मज़ीद प्रैक्टिकल करने वाले हैं, इसको कंटिन्यूस चेक करके दिखाएंगे आपको कि कंटिन्यूस कितनी देर तक चलता है, इसके ऊपर प्रैक्टिकल एक करेंगे। और ये अभी मैं देखता हूँ इसको, ज़्यादा गर्म नहीं है ट्रांसिस्टर, लेकिन फिर भी इसके ऊपर हीट सिंक लगानी ज़रूरी है। सर जो है IRF Z44N का ट्रांसिस्टर आप लगाते हैं तो ये मोटर आप 755 की मोटर भी इससे रन कर सकते हैं और बलिना मोटर भी इससे रन कर सकते हैं, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम हो सकता है। अब पहले तो ये देखेंगे हम कि ये ट्रांसिस्टर अगर इसी तरीके से लगाते हैं तो ये गर्म होके कहीं वीक तो नहीं हो जाता है, या इसके साथ हम हीट सिंक अगर छोटी सी लगाते हैं तो उसके साथ ये कंटिन्यूस चल सकता है, या इसके इसमें कोई पावर वीकनेस तो नहीं आती इस ट्रांसिस्टर में। अगर कुछ दिन के बाद इसमें वीकनेस आ रही है, या 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद, तो ये आपके लिए रेगुलेटर कारामद नहीं है। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में रेगुलेटर DC बनाना बताया था, वो बहुत ज़बरदस्त रेगुलेटर बना है और वो मेरे पास कंटिन्यूस चल रहा है और उसमें कोई डायोड के अंदर वीकनेस नहीं आई। तो ट्रांसिस्टर में भी एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये मैं बताऊंगा इसके अंदर कि ये जो है ट्रांसिस्टर मैंने चला के देखा है वीक हुआ है कि नहीं हुआ है ये ट्रांसिस्टर। तो यहाँ पे ये सिंपल तरीका है एक DC रेगुलेटर बनाने का, बहुत सस्ता कॉस्ट चीपेस्ट रेट में बन जाता है ये। तो यहाँ पे आपने देख लिया, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करवाया तो सब्सक्राइब करवा लीजिए, साथ में दिए गए बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेटेस्ट नोटिफिकेशन के साथ आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।